राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए एक और नाम की चर्चा जोरों पर है और वो नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। बताया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर विचार कर सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्रीय नेताओं का करीबी माना जाता है तो वहीं पार्टी के अंदर उन्हें वसुंधरा राजे का विरोधी भी कहा जाता है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के पास केंद्र सरकार में काम करने का भी अनुभव है तो वहीं उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत राजनीतिक प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं और यही वजह है कि पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर विचार कर सकती है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास वसुंधरा राजे की तरह प्रदेश में प्रशासनिक अनुभव की कमी है तो वहीं उन्हें सिर्फ राजपूत समुदाय का ही समर्थन प्राप्त होने का दावा किया जाता है, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत की स्वीकार्यता सभी वर्गों में नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक और नाम है महंत बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ के साथ प्लस पॉइंट है उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि और उनकी उम्र। और बाबा बालकनाथ को राजस्थान के योगी आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले बालकनाथ की उम्र महज 39 साल है। बालकनाथ ने 6 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। उन्होंने महंत खेतानाथ के पास रहकर अध्ययन किया। 2016 में महंत चांदनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। 2019 में पहली बार अलवर से सांसद बने और इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता। युवा नेता होने के साथ साथ बालकनाथ हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी के जैसे ही बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि बालकनाथ के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता भी नहीं है, साथ ही कट्टर हिंदू वाली छवि दूसरे वर्ग के वोट बैंक पर असर डाल सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले दिल्ली पहुंचे बाबा बालकनाथ ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने संसद में ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में मौजूद है। वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली पहुंची है और कुछ ही देर में वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाली है। दो बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इस पद के लिए लगातार अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रही हैं।